और दोस्तों अब वक्त हो गया है, जब भी मैं आपको बताता हूँ टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे ये सीरीज हमारी हर मंथ रहती है। हमने आपको बताए थे सितंबर के महीने में कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, वो सारे ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिले थे। क्या कमाल का सितंबर का महीना था, इतने सारे फोन लॉन्च हुए थे, बहुत ज़्यादा। वैसे सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर थोड़ा सा हल्का रहने वाला है, लेकिन होंगे जरूर से स्मार्टफोन लॉन्च अक्टूबर के महीने में। आइए हम आपको बताते हैं कौन से स्मार्टफोन जो कि आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। चलो फ्रेंड्स, अक्टूबर के महीने में जो कौन से स्मार्टफोन है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस करें और भी क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिले। तो अक्टूबर के महीने में जो आपको पहले स्मार्टफोन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1 अक्टूबर को ही सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 6 कैमरे देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये फरवरी के महीने में पहले ही लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन कुछ दिक्कत थी इसलिए फिर उन्होंने नहीं किया था। फिर बाद में एक और बार किया, फिर भी दिक्कत हो गई, अभी अगेन लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सैमसंग का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि फोल्डेबल के साथ आ रहा है। इसकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपये है। क्या आप इस स्मार्टफोन को प्रेफर करना चाहेंगे 1.5 लाख का, कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। और दोस्तों, जो अगला फोन है वो 10 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, जिसका नाम है ओप्पो रेनो एस। इस स्मार्टफोन में आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। वैसे आपको ये वाली बात अच्छी तरीके से पता है कि ओप्पो के आजकल के टाइम पर जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं वो फ्लेक्सिबल लेवल के होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं दिखने को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। मैं इसकी आपको प्राइस बता दूं तो वो 30 या 35 हज़ार रुपये के आसपास लॉन्च होगा। और दोस्तों, OnePlus 7T तो लॉन्च हो गया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे OnePlus 7T Pro का, तो वो भी आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। ये हो सकता है आपको अक्टूबर के मिड में देखने को मिल जाए। वैसे दोस्तों, OnePlus 7T में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दी थी। देखना अब ये है कि OnePlus 7T Pro में क्या चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। वैसे हमने दोनों पर वीडियो बनाई है, OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro पर। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। ज़्यादा जानना चाहेंगे उन दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो आप जाकर के इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, OnePlus 7T Pro लॉन्च हो गया, 1 अक्टूबर को उसकी सेल होने वाली है Amazon पर। अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक करके जरूर से बताएं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता है जिसमें Redmi फोन लॉन्च नहीं करता है। जी हां फ्रेंड्स, Redmi वालों ने बताया कि वो अपनी Redmi 8 सीरीज का भी एक स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे जो आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। ये कंफर्म नहीं है कब देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको अक्टूबर के महीने में ही। वैसे दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, तो इस टाइम पर अगर आप कोई फोन परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर के परचेस कर ले। 29 तारीख से लेकर के 4 अक्टूबर तक सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर। हमने दोनों पर ही वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। जाकर के चेक कर लीजिए वो कौन से स्मार्टफोन है जो हमने उस वीडियो में आपके लिए पिक किए हैं और जो वास्तविक अच्छे हैं, लेकिन प्राइस में भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, तो आप जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है वो आता है गूगल की तरफ से। वैसे आपको पता है गूगल का जो पिक्सल 4 सीरीज लॉन्च हो रही है, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये पिक्सल 4 सीरीज में आपको डुअल और ट्रिपल कैमरे देखने को मिलेंगे। वैसे आपको पता है कि जो गूगल के फोन आते हैं वो एक कैमरा ही इतना धांसू कैमरा होता है, डुअल और ट्रिपल कैमरे के साथ आ रहे हैं, तो वास्तविक ये मार्केट को पूरा आग लगाने वाले हैं। आपको क्या लगता है गूगल के फोन के बारे में, क्या आपने कोई गूगल का फोन यूज किया है या नहीं किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। और दोस्तों, जो अगला फोन आता है वो आता है Huawei की तरफ से Mate 30 Pro। ये स्मार्टफोन आपको पता है कैमरे लेवल के स्मार्टफोन होते हैं और इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेंगे। वैसे Huawei का Mate 20 Pro आया था, उसमें काफी ज्यादा कमाल के कैमरे देखने को मिले थे, तो Huawei के Mate 30 Pro में कितने ज़्यादा अच्छे कैमरे होने वाले हैं ये आप खुद ही गैस कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आपको अगला फोन देखने को मिलेगा गेमिंग लवर के लिए, ये अच्छी खुशखबरी है क्योंकि Nubia लेकर के आ रहा है अपना Nubia Red Magic 3S। आपको पता है Nubia के जितने भी फोन होते हैं वो गेमिंग लेवल के फोन होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 855 Plus प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि फोन की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको अगला
वाला फोन बताऊंगा जो आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। ये आपको फोन वैसे सितंबर के महीने में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ये फाइनली आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। जो आता है मेरी लिस्ट में ऑनर की तरफ से ऑनर 9X, इस स्मार्टफोन में आपको क्रीन का 810 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। हमने इसका अंतिम स्कोर चेक किया, वो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के 730 से भी ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। तो आप चाहें तो ऑनर का 9X परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 15,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। और दोस्तों आपको एक चीज पता है, एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, इन्फिनिक्स। हर महीने इनके एक स्मार्टफोन लॉन्च होता है। इन्फिनिक्स हॉट 8 आया था, इसमें आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिले थे। अब आपको फिर से अक्टूबर के महीने में एक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसमें आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेगा, और ये भी बात सच है कि ये 10,000 रुपए के नीचे आएगा। 10,000 रुपए के नीचे 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो पहले हमें जो होते थे स्मार्टफोन 4 कैमरे वाले, 3 कैमरे वाले बहुत ज्यादा हैवी रेंज में मिलते थे, लेकिन अब आपको 10,000 रुपए के नीचे मिल रहे हैं। और दोस्तों जो मेरी लिस्ट में लास्ट फोन आता है वो आता है ओप्पो का K5। ये स्मार्टफोन भी आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों रियलमी का एक भी स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के महीने में देखने को नहीं मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, साउंड्स बैड ना, मुझे भी बेकार लगा था। ऐसे अक्टूबर के महीने में रियलमी क्यों फोन लॉन्च नहीं कर रहे हमें नहीं पता है। ज्यादातर फोन जो होते हैं रियलमी के आते हैं, लेकिन अक्टूबर में नहीं आ रहे हैं। चले दोस्तों, ये तो स्मार्टफोन जो आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिल रहा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो अभी तक, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।